अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ठीक होंगे और जो आ रहे हैं अल्लाह उन्हें शिफाता दे। और आपको पता है सैटरडे नाइट, और मैं सैटरडे नाइट को आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लाती हूँ। आज स्टोरी की एपिसोड 2 लगनी है और मैं आपको बताऊँगी एपिसोड 1 में क्या हुआ। ठीक है, आए चलो जानते हैं कि एपिसोड 1 में क्या हुआ। ठीक है, हाँ एपिसोड 2-1 जिसे नहीं देखी वो देख ले, मैं शो कर दूँगी तो आप एपिसोड 1 सुनने मुझसे। एपिसोड 1 में ये हुआ था कि एक लड़की थी गाँव से आई हुई, वो चाहती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ मैं कॉलेज जाऊँ, लेकिन वो उसका मैट्रिक पास भी नहीं था हो रहा और वो बस यही बात सोचती थी काश मैं कभी पास हो जाऊँ मैं पढ़ लूँ कुछ बन जाऊँ। और वो देख के छत पे लड़का देख रहा है और उसे उससे जाके उससे बातें गुस्सा करने जाती है उस पर, तो गुस्से में उससे उससे फ्रेंडशिप हो जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है लड़के से। तो फिर लड़का से दोस्ती कर लेती है तो लड़का अचानक कहीं चला जाता है अपने दोस्तों के यहाँ घूमने। तो लड़की देखती है, लड़की 2 दिन देखती रहती है कि वो नहीं मिलने आ रहा, तो अचानक वो उसके बाबा से पूछ लेती है वो लड़का कहाँ है। और चले आए आप स्टार्ट करते हैं स्टोरी की एपिसोड 2। ठीक है, यहाँ हैदर के बाबा उसे फ़ोन करके जब कहते हैं कि हैदर बेटा कहाँ हो, वो लड़की तुम्हारा पूछ रही है, तो वो लड़का अचानक हैदर कहता है रियली पापा वो मेरा पूछ रही है सच्ची में? कहती हाँ बेटा क्यों, वो तुम मतलब क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं पापा सच्ची में मैं अभी आने लगा हूँ। मैं कहता नहीं बेटा तुमने रात को आना था। नहीं बाबा मैं आने लगा हूँ, मैं अभी आ जाऊँगा कुछ रात तक, उससे पहले ही आ जाऊँगा। कहते अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। वहाँ हैदर अपने दोस्तों से मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ जाऊँ। कहते क्या हुआ हैदर क्या हुआ? हैदर लगता है तुम्हारी कोई बात बन गई। नो ऐसी कोई बात नहीं है। हैदर ऐसे ना शर्मा के थोड़े स्टाइल से कहता नो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे बाबा ने कॉल किया मैं इसलिए जा रहा हूँ, वो तो कोई बात नहीं है। ओ हैदर के दोस्त लगता है तुम्हारी कहीं मंगनी होने लगी, तुम्हारी कहीं बात पक्की होगी इसीलिए तुम शूट। नहीं यार कहीं मेरी बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताता, मैंने आपको क्यों नहीं था बताना। हैदर यूं ही लड़खड़ाते हुए लहजे में बात करके कहते अच्छा चलो चलो मैं चलता हूँ। हैदर इसी तरह चला जाता है। हैदर घर आते फौरन छत पर जाके देखता है कि तमन्ना आई है कि नहीं मिलने, पर तमन्ना काफ़ी टाइम नहीं आती। कहते शायद काम कर रही हो? नहीं काम, हाँ का इतना रात हो गया, हाँ 4 बज गए, काम कर रही होगी। ऐसी मन मन में बातें किया जा रहा था। हैदर ऊपर से तमन्ना देखती है कि वो छत पे है, फौरन से छत पे आती है। तमन्ना उसे देखती है फौरन छत पे आ जाती है और छत पे आके कहती है हैदर कहाँ थे तुम, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, तुमको पता नहीं मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रही होती हूँ। अच्छा तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो? हैदर ऐसे हैरानगी से बोलते हैं मेरा क्यों इंतज़ार कर रही थी, क्या मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रही थी, तुम्हें दोस्त हो मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे बताए बिना क्यों चले गए थे, तुमने कहा था मैं तुम्हें बता के जाऊँगा। अच्छा मैंने कब कहा? हैदर इसे हैरानगी से कहता है, कहते हैं अच्छा नहीं था कहा तो चलो जो भी, दोस्ती में तो यही होता है ना हर चीज़ बता के जाती हूँ, मैं तो तुम्हें बता के जाती हूँ ना मैं ये काम करने जा रही हूँ मैं वो काम करने जा रही हूँ, तो तुम क्यों नहीं बता के मुझे ये? अच्छा बाबा अब नेक्स्ट टाइम बता के जाऊँगा, अचानक दोस्तों का प्रोग्राम बन गया। नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें पता ही पता था तुम आए इसीलिए थे दोस्तों के साथ घूमने और तुम मुझे बताया भी नहीं, तुमने मुझे कॉल भी नहीं की, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं जनाब। हैदर हैरान इस तरह बोलते हैं, तो नंबर नहीं था ले लेना था ना, हम इतने दिन से दोस्त थे। तमन्ना बोलती है अच्छा चलो चलो फिर आप दे दो नंबर। अच्छा मैं क्यों दूँ नंबर, नहीं मैंने नहीं देना, जाओ। तमन्ना बोलती है हैदर आप दे दो ना, चलो गुस्सा छोड़ो। नहीं मुझे बहुत गुस्सा है, तमन्ना ऐसा बोलती है। अच्छा चलो ठीक है मैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं भी जाऊँगा तुम्हें बता के जाऊँगा, पक्का पक्का वादा करो तो मैं तुम्हें नंबर दूँगी। और तुम मुझे फ़ोन, मुझे पता है तुमने जब नंबर लेना है तुमने कॉल नहीं की करनी, मुझे पता है सबका। अच्छा बहुत लगता है तुम्हारे दोस्त हैं, हैदर से हैरानगी से तमन्ना को कहता है। नहीं बस एक तुम ही लड़के में दोस्त बने हो, मैं तो सारी मेरी गर्ल्स फ्रेंड है। अच्छा अच्छा वो भी ऐसे करती होंगी ना इसलिए तुम्हें पता जी, और आप भी ऐसे कर रहे हो। नहीं नहीं मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, अब चलो ठीक है अब हम दोस्त हैं पक्का, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं हर चीज़ तुम्हें बता के जाऊँगा। अच्छा चलो फिर ठीक है, तमन्ना कहती है चलो ठीक है अब ना हम दोनों चलते हैं, मुझे बहुत काम है इस वक्त, खाना बनाना होता है बहुत ज़्यादा काम होता है डेरों से काम, और तुम भी जाओ और हम कल मिलेंगे। कहते शाम को मिले,
नहीं मिलना शाम को, शाम के टाइम सब घर होते हैं। तमन्ना बोलती है, नहीं ना यार प्लीज़ मिलते हैं, क्या हो गया? हम थोड़ी देर छत पे बस बैठेंगे बातें करेंगे। क्या मतलब? तमन्ना, क्या मतलब कि हम छत पे मिलेंगे बैठेंगे? हाँ मैं तुम्हारी छत पे आ जाऊँगा ना, तो तुम भी ऊपर छत पे आ जाना। तमन्ना, नहीं बाबा तुम मेरे छत पे नहीं आना। नहीं मैं आऊँगा, देखेंगे, दोनों बातें करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं मैंने नहीं आना। अच्छा चलो फिर तुम तो अभी तो जाओ ना, देखेंगे कल के कल, ठीक है? तो शाम की शाम को देखेंगे, अब जाओ। अच्छा चलो ठीक है, दोनों इसी तरह चल जाते हैं। वो तमन्ना सारी और सारे काम करके जल्दी फारुक को देखती है, कब सब सोएंगे, इसमें छत पे जाऊँगी, यही बस सोचती रहती है। जब तक वो शाम के वक्त छत पे जान पहुँचती, छत पे देखती है, वाकई वो छत पे आया होता है, उससे बहुत ज़्यादा उसे कहती है, मैं क्या करूँ, मैं तो, मुझे तो इतना उसे डर लग रहा होता है। तमन्ना कांप रही होती है कि मैं कोई देख ना ले हमें, क्या होगा हमें कोई देख लेगा तो। हैदर उसे कहता है, आजो आजो, कोई भी नहीं देख रहा, सब सोए हैं, पूरा मोहल्ला सोया हुआ है, मुझे पता है यहाँ का, मैं बहुत पुराना हूँ रहने वाला, तुम यहाँ नहीं आई हो। तो मन्ना कहती है, अच्छा पर मेरे घर वाले नहीं सोए होंगे। अच्छा तुम तो गाँव से रहने वाली हो, तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं सोए होंगे? हाँ पर नहीं ना सोते, ठीक है बच्चे हैं ना इसलिए। चलो अच्छा फिर ये बताओ कि क्या करती रहती हो सारा दिन? हम मेरे पीछे क्या किया, मुझे बड़ा मिस किया ना तुमने, मुझे पता है। नहीं मैंने कोई नहीं तुम्हें मिस किया। तो मन्ना कहती है, हैदर नहीं तुमने फिर पापा से मेरा क्यों पूछा? तुमने इसलिए पूछा तो मुझे मिस कर रही थी ना, तो और क्या, तुम मेरे दोस्त बनी हो अब तो, मैं तुम्हें मिस भी ना करूँ, इसलिए मिस किया था बस। अच्छा तो मैंने कब कहा कोई और वजह मिस करने की? नहीं हैदर ऐसी बातें नहीं ना करो, चलो कोई और बात करते हैं। नहीं ना तुम बताओ ना। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तमन्ना बोलती हैं, हैदर अच्छा चलो बताओ, मेरे घर वाले ना मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या रिश्ता तुम्हारा? तमन्ना बोलती हैं, क्यों क्या हुआ? मेरी शादी नहीं करनी, मैं बड़ी हो गई हूँ, और मेरी शादी करेंगे भी मेरी छोटी सिस्टर की करेंगे, फिर भाई हैं, इतने लोग हैं हमारे घर में। अच्छा तुम्हारी शादी होने वाली है, अच्छा फिर कैसा लड़का देख रहे हो? कैसा लड़का? अच्छा ही देखेंगे, अपने में ही देख रहे हैं, वैसे पप्पू का बेटा है एक, उससे शादी करने का सोच रही है मेरे घर वाले। अच्छा बहुत अच्छा लड़का। हाँ बहुत अच्छा लड़का, क्यों क्या हुआ? इस तरह तो मन्ना पूछती है। तुम नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, पढ़ा लिखा है कैसा है? हाँ काफ़ी पढ़ा लिखा है, तो वो कैसे तुम एक्सेप्ट करेगी, तुम तो मैट्रिक पास भी नहीं हो। तुम मुझे तंग कर रहे हो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तमन्ना बोलती हैं, हैदर अच्छा अच्छा गुस्सा नहीं करो, चलो ये बताओ कि क्या करता है वो? मुझे नहीं पता क्या करता है, खुद ही मिल लेना देख लेना। अच्छा तो मुझे मिलाओगी? हाँ मिलाऊँगी, मिल लेना उससे, गुस्से से तमन्ना इस तरह बोलती है, हाँ मिल लेना उससे। अच्छा वैसे एक बात कहूँ, हैदर बोलता है। तमन्ना हाँ बोलो। मेरी मामा बिल्कुल सच कहती हैं आप जैसी लड़कियों के बारे में। मेरे जैसे लड़कियों के बारे में क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? नहीं तुम्हारी मामा कहते क्या? ओहो यार कूल हो जाओ कूल, हैदर बोलता है। तमन्ना क्या कूल हो जाओ, मतलब क्या बोलती हैं तुम्हारी मामा? तमन्ना बोलती हैं, यही कि जब किसी लड़की को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए ना, तो उसको फ़ौरन कहना शुरू कर देती हैं कि मेरी तो शादी होने वाली है, ताकि वो लड़का जल्दी जल्दी उसके लिए घर में रिश्ता भेज दें। मैं तुम्हें उससे तुम्हें नहीं कह रहा, बस बात यही होती है ना। अच्छा तुम्हारी मम्मा ये कहती हैं, ठीक है तुम ये सोच रखो और मैं जा रही हूँ। हैदर बोलता है, रुको रुको, यहाँ आज की स्टोरी खत्म होती है, आप नेक्स्ट स्टोरी सुनने के लिए नेक्स्ट सैटरडे को मेरी जरूर स्टोरी सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? और आपसे मैं हर दफ़ा सवाल पूछने रहता है, इस दफ़ा मैं ये सवाल पूछूँगी कि आपको कैसे बच्चे अच्छे लगते हैं, मतलब शरारती के, बहुत मासूम चुप रहने वाले हैं? लड़कियों से भी ये सवाल है और लड़कों से। वैसे लड़कियों को बच्चे थोड़े शरारती से पसंद आते हैं, और बॉयज़ को थोड़े मासूम के, घर में शांति हो। लेकिन आपकी राय आप बताएंगे, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा मुझे, और मुझे बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी, और मैं स्टोरी को नेक्स्ट टाइम प्रूव करूँगी, ठीक है? और यहाँ स्टोरी खत्म हो गई है, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा फैशन एंड स्टोरी विद हुशी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ही याद रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।